इस कहानी के सार को सही मायने में समझने के लिए आपको इसे शुरू से अंत तक देखने की आवश्यकता है। यह कहानी उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार जल्दबाजी महसूस करते हैं, जो अक्सर महसूस करते हैं कि समय बीत रहा है और जो तेजी से सफलता, अधिक परिपूर्ण जीवन के रहस्यों की तलाश में है। शुरू करने से पहले मेरे YouTube चैनल की सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और अधिसूचना की घंटी दबाएं। ऐसा करने से आप अपने सपनों को प्राप्त करने, व्यक्तिगत विकास, आत्मनुशासन में महारत हासिल करने और सफल जीवन के रहस्यों को उजागर करने पर अधिक व्यावहारिक सामग्री के साथ अपडेट रहेंगे। जैसे जैसे हम इस कहानी के माध्यम से यात्रा करते हैं, हम कालातीत ज्ञान को उजागर करेंगे जो बताता है कि कैसे अपनी मानसिकता को बदलना है, अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना है और आपको पीछे रखने वाले विकर्षणों से मुक्त होना है। इसलिए इस प्रेरक कहानी को ध्यान से सुने जो स्पष्टता, समर्पण और गति के साथ आपके सपनों को प्राप्त करने के लिए 8 शक्तिशाली नियम सिखाती है। एक समय की बात है, महत्वाकांक्षा से भरा एक युवक था। उन्होंने बड़े सपने देखे और जल्द ही उल्लेखनीय सफलता हासिल करना चाहते थे। उन्होंने एक निरंतर दबाव महसूस किया, जैसे कि समय उनकी उंगलियों से फिसल रहा था, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए खुद को प्रेरित किया। उन्होंने अथक परिश्रम किया, एक के बाद एक प्रयास किए, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद वे वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहे। उन्होंने कुछ सफलता का स्वाद चखा, लेकिन यह उनकी उच्च महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं था। निराशा बढ़ने लगी, क्योंकि वह लगातार खुद से सवाल करता रहा, मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं दूसरों की तुलना में तेजी से सफल क्यों नहीं हो सकता? इस सवाल ने उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास होने लगा कि शायद वे सफलता के कुछ महत्वपूर्ण नियमों या रहस्यों को खो रहे थे। एक बार जब वह यह समझ गया, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए दृढ़ हो गया जो उसे ये रहस्य सिखा सके। एक दिन एक दोस्त ने उन्हें एक बुद्धिमान गुरु के बारे में बताया जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। यह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे जो लोगों की समस्याओं को गहरी सादगी के साथ हल करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। गुरु के बारे में सुनते ही युवक ने अगले ही दिन अपने आश्रम जाने का फैसला किया। जब वह पहुंचे तो युवक ने सम्मानपूर्वक भिक्षु का अभिवादन किया और उनके सामने बैठ गया। भिक्षु ने उससे पूछा कि वह क्यों आया था और युवक ने अपनी स्थिति समझाई, मुनिवर, मेरे बड़े सपने हैं और मैं जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन मैं जल्दबाजी करना चाहती हूं। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करने और जल्दी सफल होने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कभी भी वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए हैं। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों को जानने की जरूरत है जो मुझे कम समय में महान चीजें हासिल करने में मदद कर सकते हैं। क्या आप मुझे इन नियमों के बारे में विस्तार से सिखा सकते हैं? मैं पूरे दिल से उनका पालन करने का वादा करती हूं। बौद्ध भिक्षु ने युवक की आंखों में ज्वलंत दृढ़ संकल्प देखा और कड़ी मेहनत करने और सफल होने के लिए त्याग करने की उनकी इच्छा को पहचाना। गंभीर स्वर में भिक्षु बोलने लगे, आज मैं आपको 8 नियम बताऊंगा। यदि आप पूरी ईमानदारी से उनका पालन करते हैं तो आप 10 महीनों में वह हासिल कर सकते हैं जो दूसरों को पूरा करने में 10 साल लग सकते हैं। लेकिन आपको इन नियमों का अटूट विश्वास और समर्पण के साथ पालन करना चाहिए। पहला नियम, भिक्षु ने शुरू किया, अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोलना है कि यह किया जा सकता है। अगर आपको विश्वास हो तो 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। जब तक आपको अपने आप पर पूरा विश्वास नहीं होगा, तब तक आप 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में वास्तविकता बनने से पहले हमारे दिमाग में पूरा हो जाता है। इसलिए इस संभावना को अपनाएं। इसे एक ऐसे छात्र की तरह सोचें जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, लेकिन पिछले महीने परीक्षा के लिए भटकता है और अपने परिणामों से सभी को आश्चर्यचकित करता है। यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? सफलता के नियम सभी के लिए समान रूप से काम करते हैं। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए गायब होना है, भिक्षु ने आगे कहा। भूल जाओ कि अगले 6 महीनों के लिए आपके जीवन में कोई है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को भूल जाओ, उनमें से कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। बस ध्यान भटकाने के सभी दरवाजे बंद कर दें और 6 महीने के लिए दुनिया से गायब हो जाएं।
अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ खुद को जोड़े रखें। 6 महीने एक लंबा समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोचिए कि आप किसके लिए यह बलिदान दे रहे हैं स्वयं। इन 6 महीनों में ऐसे किसी भी व्यक्ति से बचें जो आपको विचलित कर सकता है। भले ही कुछ रिश्ते प्रभावित हों, लेकिन ऐसा ही हो। दूसरों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना बंद करें और पूरी तरह से अपने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा, तीसरा नियम सही गुरु को ढूंढना है। यदि आप किसी भी क्षेत्र में तेजी से सफल होना चाहते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो पहले से ही उस क्षेत्र में शीर्ष पर हो। उन्होंने उन सभी कठिनाइयों का सामना किया है जिनका आप सामना करेंगे और अपने अनुभवों से आपको सिखा सकते हैं, जिससे आपका समय और प्रयास बचता है। केवल 10 महीनों में 10 साल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों में से एक को अपना गुरु और मार्गदर्शक बनाएं। अब चौथा नियम, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना है, भिक्षु ने सलाह दी। उन्होंने कहा, तय करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और किस समय सीमा के भीतर। आपका लक्ष्य स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। चाहे आप कितने भी होशियार या बुद्धिमान क्यों न हों, बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के आप सफल नहीं होंगे। मानव स्वभाव के बारे में एक बात यह है कि यदि आपका लक्ष्य बहुत आसान है तो आप इसे हल्के में लेंगे, और यदि यह बहुत कठिन है तो आप असफलता से डर सकते हैं और हार मान सकते हैं। इसलिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य हों। इसके अलावा अपनी प्राथमिकताओं को अधिक से अधिक 3 तक सीमित करें। यदि आपकी 3 से अधिक प्राथमिकताएं हैं तो आपकी कोई प्राथमिकता नहीं है। जो वास्तव में आवश्यक है उस पर ध्यान केंद्रित करें और अपने पूरे दिल से उसका पीछा करें। 5वां नियम, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करें और उन्हें छोटे चरणों में विभाजित करें। अपने 10 महीने के लक्ष्य को दिनों, हफ्तों और महीनों में विभाजित करें और उस पर लगन से काम करें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 ठोस कारण होने चाहिए। आपके कारण जितने मजबूत होंगे, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अपने लक्ष्य को पूरा होने की कल्पना करें और महसूस करें कि जब आप इसे प्राप्त करेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे। समझें कि आपको क्या त्याग करने की आवश्यकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या प्रयास आवश्यक हैं। भिक्षु ने जोर देकर कहा, 6ठा नियम, अपने भीतर मजबूत एकाग्रता और अनुशासन विकसित करना है। कभी कभी हम ऊर्जावान और उत्साही महसूस करते हैं, लेकिन यह भावना स्थिर नहीं होती है। सोचिए, अगर आप हर दिन इस तरह महसूस कर सकते हैं तो आप क्या हासिल नहीं कर सकते। आलस, ध्यान भटकाने और बार बार काम बदलने के प्रलोभन से बचें। अपनी ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करें, जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप उत्साहित और केंद्रित होते हैं तो आप केवल 1 घंटे में 10 घंटे का काम पूरा कर सकते हैं। इस तरह की ऊर्जा और एकाग्रता आपको 10 महीनों में 10 साल के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। 7वां नियम, जिम्मेदारी लेना और जवाबदेह होना है। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिसके प्रति आप जवाबदेह हों। यदि आप कुछ काम करने का वादा करते हैं तो उन्हें आपसे सवाल करना चाहिए कि क्या यह पूरा हो गया है। यह जवाबदेही आपको सही रास्ते पर रखने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करें। यह व्यक्ति माता पिता या शिक्षक हो सकता है, कोई भी जो आपको जवाबदेह ठहरा सकता है। अंत में 8वां नियम, सीखते रहना और नई चीजों को अपनाना है, भिक्षु ने निष्कर्ष निकाला। अगर आपका लक्ष्य महत्वपूर्ण है तो यह एक सहज यात्रा नहीं होगी। उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी कभी आप कड़ी मेहनत करेंगे और परिणाम देखेंगे, जबकि अन्य समय आपके प्रयासों के बावजूद आपको तत्काल सफलता नहीं मिलेगी। हालांकि ये अनुभव आपको लचीलापन और विश्वास सिखाएंगे। बदलाव को अपनाएं, सीखना जारी रखें और नए विचारों और तरीकों के लिए खुले रहें। इन 8 नियमों को सुनने के बाद युवक ने प्रबुद्ध महसूस किया। उन्होंने इस तरह के अमूल्य ज्ञान को साझा करने के लिए बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और एक नए उद्देश्य के साथ आश्रम छोड़ दिया। अब वे समझ गए कि तेजी से सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। यदि आपको इस कहानी में मूल्य मिला है तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें।
और याद रखें, सफलता पहुंच के भीतर है यदि आप पूरे दिल से सीखने, अनुकूलन करने और प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार हैं।